हेलो एवरीवन, कैसे आप लोगों से बड़े होंगे? मजे मजे भाई, आपको भाई फुल मजे में नहीं है, थोड़ी तबीयत खराब हो गई। यहाँ आए हुए हम फोतिला पास, जाना था हमें उमलिंगा, मगर उमलिंगा हमने नहीं करा, उमलिंगा वाला नहीं हो करा। नहीं जा रहा भाई। हाँ, तो हेडक हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा कमी है। तीन बाइकर मेरे, उन्होंने से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा भाई आप इतने हाई एल्टीट्यूड पर मत जाओ एकदम से, या तो रुक के जाओ। रुकने का रुकेंगे तो भाई फास्टेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता। तो हमने कैसे, कितने घंटे में किया था हमने ये? 8 घंटे 38 घंटे में दिल्ली से नॉन स्टॉप बस पेट्रोल डलाने के लिए और खाना खाने के लिए रुके और सीधा यहाँ आए। तो उसका असर ये हुआ कि 18,124 फीट पे हम दोनों की हालत ख़राब हो गई। यावर का भी थोड़ा सा ऐसे मामला चला, तो हमने डिसाइड किया कि भाई यहीं से वापसी चल रहे हैं। यहाँ से मुश्किल 60 किलोमीटर दूर है। मैं जानता हूँ कि भाई ये बहुत अजीब लगेगा, कहीं इतनी दूर आए वहाँ तक नहीं गए। हाँ, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है, जान से बढ़कर कुछ नहीं है, और रास्ता बहुत ज़्यादा नैरो है, नैरो है, गाड़ी पावर नहीं दे रही, पावर बहुत सारी बिल्कुल भी नहीं दिक्कत दे हो रही रही। है। तो अगर कोई चीज़ हुई ना, तो जान से बढ़कर कुछ नहीं है, बाद में कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी व्यू बहुत बढ़िया है। कभी भी दोस्तों उमलिंग लाओ, पहले आपको बता रहा हूँ कि आराम से आना, रुक रुक के आना, जल्दबाजी में मत आना, रुक रुक के आओ आराम से। वो भाई लोग ही 15 दिन का लेके निकले थे, कह रहे हम तो एक एक दो दो दिन रुक के आए आराम से। यहाँ से व्यू देखो दोस्तों, नीचे का दोस्तों 5:30 हो रहे हैं और हमने हानले में स्टे ले लिया था, बट स्टे लेने से और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मतलब थोड़ी देर ही सो पाए, आज भाई की उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हुई, यावर की उल्टियाँ हो गई, और हमने फिर डिसाइड किया निकलते हैं यहाँ से, हाइट नीचे करके फिर देखते हैं क्या करना है, थोड़ा नीचे चले जाते हैं। गाड़ी में बैठा मुझे उल्टियाँ चालू हो गए यार, पता नहीं क्या मसला चल रहा है हर बार पहाड़ों पर। यह अभी शिफ्ट हो के चला के गाड़ी वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ के लोगों ने बताया है न्यूमा में हॉस्पिटल है, वहाँ दिखा दो। तो न्यूमा जा रहे हैं वहाँ पर हॉस्पिटल, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। यहाँ से 70 किलोमीटर है। टाइम हो गया निकले हुए, 1 घंटे करीब हो भी गया। भाई भाई सो रहे हैं, ये इनकी तबीयत ठीक थी जैसी गाड़ी में बैठे। भाई भाई की भी तबीयत खराब हो गई, यावर की अब थोड़ी ठीक है। यावर की बेहतर है बस, बाकी मेरी भी ठीक नहीं है। मैंने कहा लाओ यार मैं ही चलाता हूँ गाड़ी, कौन सी जगह थी मैं तो नाम भी भूल गया यार, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। फिर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं यहाँ से सीधा, डॉक्टर को दिखाएंगे पहले जो भी होगा, फिर उसके बाद निकलेंगे जहाँ भी जाएंगे। अब हालत ख़राब हो गई भाई। सुबह अभी रुके हैं थोड़ा सा, सीन क्या है सर घूम रहा है, बहुत तगड़ा दर्द हो रहा है सर में, और लेकिन तुम्हारा भाई हाथ नहीं मार रहा, उल्टी हो रही है, तबीयत ख़राब हो रही है, चक्कर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी हम रुक नहीं रहे क्योंकि रुक का बड़ा ज़्यादा नुकसान है और नॉन स्टॉप बस चल रहे हैं। देखते हैं आप पहले हॉस्पिटल जाएंगे, हो सकता है एडमिट होना पड़े। बाकी ये देख लो भाई व्यू वगैरह काफी सही लग रहा है, सनसेट हो गया है, ऑलमोस्ट पहाड़ों के पीछे है सूरज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। कैसे हैं रमी भाई, क्या हो गया आप लोगों को? तुम्हारी भी वीडियो पड़ी है हमारे पास। दीदी हमारे लिए कार में छोड़ जाएगी। हाँ थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। काम नहीं कर रहा दीदी, काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रहा है। आपका वाला कर रहा है काम, मुझे पता नहीं चल रहा। ये जो भी ट्रिप है वो एक्लाइमेटाइजेशन के बेसिक रूल के अगेंस्ट में है। अभी अगर आप अपनी बॉडी को ऐसे चैलेंज करेंगे तो उसका रिजल्ट ड्रास्टिक रिजल्ट हो सकता है। आप अगर बिना रुके ले से जाएंगे तो आपका एंड रिजल्ट यही होगा। जो भी करना है ऑल्टीट्यूड के बेसिक रूल्स को फॉलो करके कीजिए। तो यहाँ पे दूसरे टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है, बट थैंक्स टू डॉक्टर साहब और यहाँ के नर्स स्टाफ बहुत अच्छा है, खाना छोड़ के आए। मतलब काश मैं वो सब रिकॉर्ड करता ना, आप इनको कसम से कमेंट सेशन में आके दिल से सैल्यूट करते भाई। जो ये तो बोला है सर, वो पॉइंट्स मैं बिल्कुल इसमें मेंशन करूंगा। बता दीजिए अल्कोहल, स्लीपिंग पिल, स्लीपिंग पिल नहीं खाना लगा दें, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। स्लीपिंग पिल से भी ब्रीदिंग रेट स्लो होता है तो नींद में कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और अल्कोहल तो पॉइजन है, ऐसे भी है और लद्दाख में और ज्यादा है। ऑल थ्रू स्टे इन हाई ऑल्टीट्यूड सुबह शाम डायमोक्स खाना है, जिनको सल्फर ड्रग एलर्जी है तो उनको उसका अल्टरनेटिव डेक्सामेथासोन 4 mg टैबलेट, डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन दिया, नोट कर लेना, ये जो भी है नोट कर लेना यहाँ से। अच्छा डॉक्टर साहब, अब यहाँ से हम ले जाकर स्टे ले लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ से अब ले चलते हैं, स्टे लेते हैं, अब परफेक्ट है बिल्कुल। ध्यान रखना दोस्तों इस चीज़ का, अब निकलते हैं यहाँ से, कुछ खाना है, हल्का फुल्का खाना है, दवाई मेडिसिन वगैरह मिल गई है। कराते भाई पूरी गाड़ी में, गाड़ी चलाते चलाते करा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, वीडियो उस टाइम की ऑन थी, समझ आ रही है, जब तुम उल्टियाँ कर रहे थे। बंदा शेख ही मारा है मुझे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ कह रहा है मुझे मत लगाओ कुछ भी, शेख ही झाड़ रहे हो, हमें पता है ना ले जाना भारी पड़ जाएगा। अच्छा हेलो जी, दुआ कीजिएगा। अब मैं मर जाऊँ तो प्लीज बोल देना घर पे कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। अरे भाई अभी इंजेक्शन लगा के घर पे मारना चाहिए ऐसे लोगों को, जो ऐसे बोले ना उसको पहले मार दो। दोस्तों 9:02 हो रहे हैं और हमने जो लोकेशन लगा दी अब सीधा श्रीनगर की लगा दी, क्योंकि अब ये सोच रहे हैं ले भी ना रुके श्रीनगर रुके। मतलब ये भी है ना कि अभी हमें माउंटेन सिकनेस हो रही है और अभी हम एल्टीट्यूड पर रहेंगे तो फिर वो अभी तो असर है इंजेक्शन का और मेडिसिन का, कब तक रहे? दोबारा जब खराब हो सच्चा तो नीचे तो जाओ ना, थोड़ा एल्टीट्यूड कम होगा अपने आप फिट हो जाएंगे एकदम। और खाने का सीन ऐसा है कि खाना अभी तक
मिला नहीं है कि उन्होंने कहा रोटी वोटी कुछ मत खाओ, दाल चावल टाइप कुछ खा लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और डॉक्टर से जब बोला हमने कि ऐसे ऐसे कार से हैं, तो उन्होंने बोला कार से तो कोई दिक्कत नहीं, बाइक से हो तो ले में रुक जाओ, कार से हो तो जहाँ तक जा सकते हो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये अल्टीट्यूड जो है नीचे कर लो, एटीट्यूड नहीं अल्टीट्यूड, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए यार बंदों को। दोस्तों 10:30 बज रहे हैं और ले यहाँ से रह गया है 75 किलोमीटर, बट अभी जो ऑफ रोड एक बहुत गंदा रास्ता गया था तो उसके बाद से ना टायर में एक अजीब से आ जाए, घूँ 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 ऐसे कर रहा है। अब फोन में नेटवर्क है नहीं तो इस चीज़ को लेके थोड़ी सी टेंशन, पता नहीं क्या अजीब सी आवाज़ आ रही है, ऐसे जब टर्न ले रहे हैं ना इसका, जब आ रही है आवाज़ घूँ घूँ ऐसे ऐसे कर रहा है, गुस्सा कर रहा है जैसे टायरम पे कि बहुत चला ली। मुझे लगा कोई पैरिंग वैरिंग या कुछ बुश की आवाज़ है, लेफ्ट टर्न लेने में नहीं, मोस्टली राइट टर्न लेने पा रही है। कोई नहीं, ऊपर वाले नाम लेते हैं और चलते हैं, कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस खाना मिल जाए खाने को, क्योंकि 2 दिन से कुछ खाया नहीं ढंग का। सो भाइयों पहुंच गए लेह सिटी, ये रहा लेह सिटी का मॉल रोड, रात हो रहा है, रात हो रही है, नींद आ गई थी मैं तो सो गया था भाई, अजर भाई बिल्कुल फकड़ हो चुके हैं। ये क्या है, क्या ये भी कैफे कैसा सुनो आप, जबरदस्त, अरे मेरे को नीचे का नींद आ रहा। तो ये मॉल रोड है, क्या रात में दिखेगा नहीं, तुम सही हो जी, मैं फर्स्ट क्लास एकदम, मैं पहले ही तो यहाँ पे दिक्कत है, अभी तक कुछ नहीं खाया, डॉक्टर ने बोला था कि कुछ खा लेना वरना दिक्कत आएगी। क्या चल रहा है, क्या आवाज़ कर रहा है, तो अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला है। और यहाँ के पुलिस वाले से मैंने पूछा, वो डांट रहे थे यार, जैसे अब्बा डांटते ना घर के, मेरे अंकल कुछ खाने का मिलेगा, करे कुछ टाइम है खाने का, मेरे अंकल भूख ले दूर से आए, कह नहीं इस टाइम कुछ नहीं मिलेगा। मैंने अच्छा पेट्रोल कहाँ डला सकते हैं, कि कोई टाइम है पेट्रोल डलाने का, एक काम करो यहीं सो जाओ स्टे लो, कल सुबह डालना जो कराना है। मैंने जी बस कह के और क्या बोलता, अब यहाँ देखते हैं कुछ मिलता है ठीक, वरना मुझे लगता नहीं कुछ मिलेगा, सब कुछ बंद है, वरना श्रीनगर ही रुकेंगे सीधा, मगर खाना तो पड़ेगा यार। यहाँ पे पूरा मॉल रोड हांडने के बाद नाकामी हासिल करते हुए वापसी कार की तरफ जा रहे हैं, और ये हुआ है कि थोड़ा और ढूंढेंगे कोई मिल गया ढाबा ठीक। भाई इनसे पूछो भाई, हेलो, खाने को मिलेगा क्या आसपास? नहीं यहाँ पर मिलेगा, गाड़ी है आपके पास? गाड़ी हाँ है, हाँ फोर व्हीलर। रूम आप लोगों का कहाँ है, रूम यहाँ पैक कर दिए, तुम गाड़ी में खाली हो, पैक करके दे देंगे, कर देगा पक्का। क्या 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 मिल जाएगा, बोतल चाहिए बताओ जी, बोतल चाहिए, मैं तो पीने लूँ, सीधी सी बात है यार। खाने में क्या, वैसे खाने में सब मिलेगा, चिकन वेज नॉन वेज, वेज चाहिए, पनीर ये एक भाई ने बताया जरा यहाँ पे मोड़ सही है, अगर नहीं होते तो फिर आ जाएं, चलो साथ में चलें, देख लो आप अगर वहाँ पे हो जाए तो। हाँ, दो मिनट में आ रहे हैं चौक से, ये चौक के पास ही है, हाँ देख लो आप आ रहे हैं। तो ये भाई पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, ये कहने लगा कि भाई हमें तो दारू पिला दो, खिला देंगे। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि अपने खाने के लिए किसी को दारू पिलवाएं, ये बात गलत कहती है, ये बंदा यूं कहता है ऐसे पैसे फालतू दे दो कुछ कर दो, तो समझ आता कि यहाँ भाई चलो एक दाल मखनी 200 की तुम 400 ले लो 500 ले लो, पर दारू पिलाने वाले बात गलत आ गई। खैर कोई नहीं, सबका अपना अपना होता है थिंकिंग, हमारा लिख नहीं है कि हम नहीं देंगे इस चीज को, तो भाई हमारा जमीर गमारा नहीं करा, हमने इसे निकाल दिया, निकालते हैं आगे से, भूखा रह लेंगे बस दारू नहीं पिलाएंगे भाई, ये काम इसी का। हम लोग पहुंच चुके हैं खालसी और यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं, यहाँ का पंप जो है मैप दिखा रहा है कि 6 बजे खुलेगा, बट चाचा हमारे चाचा बोल रहे हैं कि 4:30-4 बजे खुल जाएगा, अभी 3 बज रहे हैं और इतना पेट्रोल नहीं है कि पहुंच पाए कारगिल से आगे था, और इस ये लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके बाद पेट्रोल नहीं मिलना है, तो वही रास्ते में पंप का मिलेगा इसके बाद, कारगिल से भी आगे पता नहीं कहाँ मिलना है, वो श्रीनगर के आसपास, यहाँ से श्रीनगर 325 है, तो इतना पेट्रोल बचा नहीं है, तो उन्हें रास्ते में धक्का मारने से अच्छा या ब्लैक में पेट्रोल लेने से अच्छा यहीं सो जाते हैं। तो पंप पे लगा लिए, लॉक करना, ये देखो टाइगर फिलिंग स्टेशन है, यहीं पे लगा के यहीं सो रहे हैं, इतने दोस्त सबकी नींद पूरी है एक साथ, अब बहुत टाइम बाद सोएंगे एक साथ सारे के सारे, या तो अभी सोए थे वहाँ हाल में, हाँ बाकी थोड़े थोड़े शीशे खोल दिए हमने यहाँ के ना चारों इतने, ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, और ये थोड़ी देर हो गई है सुबह 6:30 बज रहे हैं, पेट्रोल खुला, पेट्रोल डला लिया है, और रात को पता नहीं दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था, मुझे रात को ही आउटरो करना था, मतलब इस वीडियो को एडिट करना था पूरे दिन का, वरना बहुत लंबी खींचेगी वीडियो, कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं अभी आया, मैंने कहा रात को तो मैंने क्या बोला था, फिर मैंने सब कुछ चेक करा उसके बाद आया ये बोला था, दिमाग सुन पड़ा, मतलब दिमाग सही नहीं हुआ, तभी सही होगी दिमाग सही नहीं हुआ, देख रहे हो लड़के का। खैर कोई नहीं, यहाँ करते हैं इस वीडियो का एंड, कल की आज कुछ अभी इंटरेस्टिंग हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है, वो कल की वीडियो में पता चलेगा ठीक है ना, तो वो बताता हूँ यहाँ इस व्लॉग का एड करते हैं, कुछ बोलना है बस तुम सो जाओ 8 घंटे। नाश्ता 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 अंकल जी, मुझे नाश्ता करा, आवाज़ कुछ अलग लग रही है ना,
ये कैसी आवाज लगा रहे हो भाई? कुछ अलग आवाज लग रही है। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा के। तुम सबको, इनको सब्सक्राइबर को, अपने सबको गुड नाइट क्यों बोलते हो? क्यों सोते इतना? तुम्हें ये लगता है ना हर कोई सोता हुआ है? अभी अगर लिया हर कोई सोएगा। अरे अभी आउट नहीं होना कोई नहीं, तो जो भी पहले कहा था मैं भूल गया, मगर कर लेना वो जो भी बोला है, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।